और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा CBR 150R के बारे में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही होंडा ने ऑफिशियली रिवील किया है कि वो अपने 150cc सेगमेंट में एक फुल फेड बाइक को इंडियन मार्केट में उतारने वाले हैं। और पूरी उम्मीद है कि होंडा प्लान कर रहा है कि वो CBR 150R को इंडियन मार्केट में उतारेगा, क्योंकि पुराना वाला मॉडल CBR का जो था उसको बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है कि हमको न्यू वेरियंट में, मतलब न्यू अपडेट में, CBR 150R इंडियन मार्केट में चाहिए, क्योंकि दोस्तों होंडा के पास अभी 150cc सेगमेंट में एक भी फुली फेड बाइक नहीं है। और जैसे ही इस बाइक को लॉन्च करेगा तो यामाहा R15 वर्जन 3 और RS 200 को काफ़ी तगड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें इस बाइक के लुक्स की तो काफ़ी तगड़ा लुक आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देख लो, आपको हर एंगल से ये बाइक पसंद आ जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूँ उसके R15 वर्जन 3 के लुक्स से, तो V3 के मुकाबले मुझे इस बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब इतना एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है कि आपको पहली नज़र में ही ये बाइक पसंद आ जाएगी। दोस्तों, बात करें इसके फ्रंट डिज़ाइन की तो फ्रंट में भी आपको LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। मतलब ऊपर आपको LED DLs देखने को मिलेंगे और नीचे आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको सामने से भी इस बाइक पर दिया गया है। रेयर से बात करें तो पीछे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी और इंडिकेटर्स भी इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें सीट की तो उसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेंगी और दोनों ही सीट्स आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। अगर बात करें दोस्तों सस्पेंशन की तो सस्पेंशन में चेंजेस होंगे। मतलब जब ये इंडियन मार्केट में आएगी तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा, आपको USD फोक सस्पेंशन ही मिलेगा और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो सामने आपको 100 सेक्शन 80 का टायर मिलेगा और पीछे आपको 130 सेक्शन 70 का टायर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और इसमें आपको मल्टी कलर्स में इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। और इसमें आपको गियर इंडिकेटर जैसे सारे बेसिक फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में तो इसमें आपको पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इसके ओवरऑल लुक्स की तो सेम ये 250RR की तरह दिखती है, बस इंजन का ही फर्क है, वरना पूरा ये लुक्स 250RR से इंस्पायर्ड है। अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 149.6cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 17.1 BHP की पावर देखने को मिलेगी और 14.4 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 6-speed गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करें इंजन रिफाइनमेंट की तो होंडा का इंजन आपको काफ़ी बढ़िया रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट इंजन के मामले में देता है, तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बाइक अभी भी लॉन्च हुई है, मतलब कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है और लोगों का रिस्पॉन्स है कि ये बाइक उनको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देती है। अगर माइलेज की बात करें तो जब ये आएगी तो हो सकता है कि आपको अराउंड 40-45 KMPL तक का माइलेज इस बाइक पर देखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करें कि ये बाइक कितने प्राइस में लॉन्च होगी और कब लॉन्च होने वाली है तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो रखा गया है वो है 1,40,000 एक्स शोरूम और ऑन रोड ये तकरीबन आपको 1,80,000 या 1,85,000 तक पड़ेगी। और अगर बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है तो नवंबर दिसंबर तक इसका लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है या फिर फेस्टिवल सीजन तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि आपको CBR 150R का लुक्स कैसा लगा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।